मैं उसे ठीक करके रहूँगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। येल्दिरिन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देर किए ख़त्म किया जाए, शायद यह पागल हो। मैं पूछ रहा हूँ, आखिर यह किसका कुत्ता है? मेरे ख्याल में यह जनरल जिंगलाव का है। भीड़ में से एक आवाज़ उभर आई। देखो, अभी जब पुलिस वाला वो अपने साथी पुलिस को बोल रहा था कि इसका पता लगाओ, ये कुत्ते का पिल्ला किसका है, इसका रिपोर्ट दर्ज करो, इसको ख़त्म करो, शायद ये पागल हो गया है या आगे किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये किसका कुत्ता है। तो किसी भीड़ वहाँ भीड़ जमा हो गई थी ना, तो वहाँ के भीड़ वाले ने एक मतलब भीड़ में से कोई एक इंसान ने कहा कि ये झिंगा लाओ का कुत्ता है। जनरल झिंगा लाओ, यू हेल्दिरिन, मेरा कोट उतारने मेरी मदद करो। ओफ, आज कितनी गर्मी है, लग रहा है कि बारिश हो रहेगी। वह क्रुकिन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इनसे तुम्हें कैसे काट खाया? यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी है और यह रत्ती भर का जानवर, ज़रूर ही तेरी उंगली में कोई कील वगैरह गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगी इस कुत्ते के मत्थे पर मारकर कुछ हर्जाना वगैरह ऐठ कर फ़ायदा लिया उठा लिया जाए। देखो, पहले तो वो जो पुलिस वाला है तो वो तो बोल रहा था कि किसका कुत्ता है, इसको इसके कुत्ते के मालिक को बुलाए, इसको मार दिया जाए, ऐसे वैसे। पर जब भी किसी ने एक भीड़ में से बोला कि ये कुत्ता झिंगा लाव का है, तब उसका पूरा रूप ही बदल गया उस पुलिस का। फिर उसने कहा, फिर वो कहने लगा अपने जो अपने साथ एल्दिरिन को कहने लगा कि मेरा कोट उतार दो, बहुत गर्मी है। और फिर वो शुरू हो गया, वो कहने लगा कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें इस कुत्ते ने कैसे काटा। तो ये कुत्ता तो कितना छोटा है और तुम कितने लंबे है, ये तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंचा? ज़रूर तुम्हारी उंगली को कोई कील लगी होगी और तुम इस कुत्ते पे उसका अपने चोट का मतलब अपने चोट की गलती आप कुत्ते पे डालना चाहते हो और कुछ जुर्माना लेना चाहते हो। जुर्माना यानी हर्जाना यानी नुकसान के बदले में दी जाने वाली रकम, वो वहाँ कहने लगा। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। इसने अपनी जलती सिगरेट से कुत्ते के नाक यूँ ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ़ है क्या जो इसे काट खाए? एल्दिरान ने कहा। हुजूर, मैं जानता हूँ यह क्रुकिन हमेशा कोई ना कोई शरारत। देखो, ये जो जिसकी उंगली थी इसका नाम था क्रुकिन, ठीक है। और फिर ये दोनों पुलिस और उसके साथ जो था वो दोनों भी जैसे ही झिंगा लाव का नाम सुना, और झिंगा लाव कौन था, वो जनरल झिंगा लाव था, और जैसे उन्होंने उनका नाम सुना, उन्होंने अपनी पूरी जो कुत्ते की जो गलती न मानकर उस आदमी पर ही वो लोग पलट गए और कहने लगे कि ये क्रुकिन वैसा ही है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे शरारत करते रहता है और दूसरों पे उसका गलती का एहसास उसको दूसरों पे पूरा उस पर हर्जाना दूसरों से लेता रहता है। अबे ओ काने की औलाद, तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में सबको क्यों बके जा रहा है? हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊँ तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत हो यही है कि बस लोग अब बराबर है। मैं यदि आप चाहें तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। बकवास बंद करो। नहीं, जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पोटर है। तुम विश्वास से कह रहे हो? एकदम हुजूर, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छे नस्ल के, और यहाँ ज़रा इस पर नज़र तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और कितना मरियल सा पिल्ला है।
कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, यदि इस तरह का कुत्ता मास्को द पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम है उसका क्या हश्र होता है? तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती है। मुझे इसने काट खाया है तो मेरे प्यारे एक बात गांठ बांध लो, इसे ऐसे मत छोड़ देना, इसे हर हालत में मज़ा चखवा देना। देखो, जब क्रुकिन को क्रुकिन के बारे में भला बुरा बोल रहे थे ना, तब क्रुकिन बोला कि तुम भैरे काने यानी तुम भैरे हो गए हैं क्या? तुमने मुझे मतलब तूने मुझे ऐसा करते कब देखा? यानी वो बोलने लगा ना कि हमेशा ऐसे करता है, दूसरों से हरजाना लेता है। और फिर वो जो उनके पुलिस वाला था, जो उसके साथ सिपाही था, उसके बारे में बोलना कि तूने कब देखा मुझे ऐसे करते हुए, झूठ मूठ की खबर क्यों ये कर रहे हो हुजूर? यानी जो पुलिस है, जो मेन पुलिस है, ये उनके बारे में कहने लगा कि ये तो बहुत बुद्धिमानी प्राणी है, ये खूब बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और जो जनरल है, ये जनरल का कुत्ता नहीं है, जनरल के तो बहुत महंगे महंगे कुत्ते होते हैं, ऐसे साधारण कुत्ते वो तो रखते ही नहीं है। और फिर वो कहने लगे कि उनके पास बहुत महंगे और अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं, यहाँ ज़रा देखो इस कुत्ते पे नज़र डालो, ये कितना भद्दा और मरियल यानी मरने जैसा पिल्ला है, कोई सभ्य आदमी इसे रखेगा भी नहीं, पालेगा भी नहीं। इस तरह से कुत्ते को अगर हम मास्को या पीटर्सबर्ग में दिखाई दिया तो इस मालूम है इसका कितना हश्र होता है? उसके बाद यदि कानून की परवाह किए बगैर उसकी छुट्टी कर दी तो ये दूसरों को भी काट खाएगा। और फिर हमें इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, इस कुत्ते को हमें मज़ा चखाना चाहिए। शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल ठीक इसी तरह के एक कुत्ते उनके आंगन में देखा था। देखो, सिपाही ने फिर कहा कि ये उसी का कुत्ता होगा तो, पर और ये भी कहता है कि मैं कल उनके घर गया था तो मैंने ऐसे ही कुत्ते वहाँ देखा था। यह जनरल साहब का ही है, भीड़ में से एक आवाज़ उभर आई दोबारा। दोबारा एक वहाँ किसी की आवाज़ आई कि ये जनरल साहब का ही कुत्ता है। हु एल्दीरेन ने मेरा कोट पहन लेने में ज़रा मेरी मदद करो, मुझे इस हवा से ठंड लेने लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह इन्हीं का कुत्ता है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस अपने पास भेज दिया, उनके पास भेज दिया। और उनसे यह भी विनती करना कि वे इसे गली में चले आने से रोके, लगता है कि काफ़ी महंगा प्राणी है। और यदि हाँ, हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगार घुसने लगे तो यह तबाही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है, और तू अपना हाथ नीचे कर बे गदा कहीं का, अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह सब तेरी अपनी गलती है। इधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, ज़रा उससे पता लगाते हैं। ओ प्रखोर, इधर आना भाई, इस कुत्ते को तो पहचानो, क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? एक बार फिर से तो कहो, इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा है। उसके बाद वो वही बोल रहे थे कि ये शायद जनरल साहब का ही कुत्ता है। तो फिर वहाँ सिपाही ने कहा कि हाँ, ये हम नहीं मतलब देख लेने से नहीं समझ में आता कि उनका कुत्ता नहीं है, पर मैं कल उनके घर गया तो मैंने ऐसे उनके आंगन में ऐसे ही कुत्ता देखा था, ये जनरल साहब का ही है, ऐसे वो बोल रहे थे। और भीड़ में से किसी की आवाज़ भी आई कि ये सचमुच ही जनरल साहब का कुत्ता है। उसके बाद फिर जो पुलिस वाला मेन था, उसको अभी यहाँ गर्मी लगने ठंड लगने लगी तो उन्होंने कोट पहन लिया। और फिर उस आदमी जो जिसके उंगली में लगी थी ना, वो दोबारा उनको डांटने लगे कि तुम अपना
हाथ नीचे रखो, तुम ऐसे दोबारा मत करो, ऐसी वैसी वो उनसे बातें करने लगे थे।